एसपी सिटी द्वारा बताया गया कि शातिर पिंटू यादव लकड़ी के बुरादे के बीच शराब की पेटियों को छिपाकर हरियाणा से फिरोजाबाद ले जा रहा था, लेकिन मुखबिर से मिली सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए अहमदौला पुलिस ने आरोपी तस्कर पिंटू यादव को ट्रक के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने ट्रक से बिना लेबल की करीब 500 पेटी अवैध शराब बरामद की है। एसपी सिटी आगरा का कहना है कि यह शातिर बहादुरगढ़ से शराब लेकर निकलते थे और इन्हें शराब की डिलीवरी फिरोजाबाद में करनी थी। बरामद हुई शराब की बोतलों पर लेबल नहीं मिले हैं। इन बोतलों पर ब्रांडेड कंपनियों के स्टिकर चिपकाकर ये शातिर लोगों के बीच शराब की बिक्री कर रहे थे। देखिए, लगातार शराब तस्करी की मुखबिर द्वारा सूचनाएं प्राप्त होती रहती है। कल एक सूचना मुखबिर द्वारा प्राप्त हुई थी कि फिरोजाबाद जाने वाली एक ट्रक में अवैध टाइप की शराब है जिसपे लेबल भी चिपके नहीं है, तो उसको पकड़ा गया। कल बैरियर डाल के चेकिंग के दौरान उसको पकड़ा गया। ये जो शराब बरामद हुए करीबन 500 पेटी शराब है, इसके ऊपर लेबल्स नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये लोग लेके जाते हैं शराब को और उस पर अलग अलग कंपनी के लेबल चिपकाते हैं और उसको महंगे दामों पे फर्जी शराब को बेचा जाता है। कितनी अनुमानित कीमत होगी सर बरामद शराब की? 500 पेटी की कीमत लगभग 4-5 लाख रुपए होगी। गिरफ्तारी सर कितनी हुई है? एक व्यक्ति गिरफ्तार है, उसमें एक ट्रक भी पकड़ा गया। डीडी महाजन न्यूज के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट।